Good morning, students. So today we are going to continue chapter number 11, tables and chairs. Take out your textbook and open page number 127. So let's start. Practice time. Neelu bought 15 story books to her class. Neelu जो है वो 15 story books खरीद के लेके आई अपनी class के लिए. Today 45 students are present. आज जो है वो 45 बच्चे present हैं. तो how many children will need to share one book? नीलू के पास कितनी book है? 15 books वो लेकर आई है और उसकी क्लास अपनी क्लास के लिए स्टोरी बुक्स. और आज उसकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं. तो कितने बच्चे मिलकर एक बुक शेयर करेंगे? हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक? तो कितने बच्चे जो हैं वो एक बुक को शेयर करेंगे? तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45. एंड नंबर ऑफ बुक्स स्टोरी बुक्स कितनी है? 15. तो देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल शेयर वन बुक इज इक्वल टू क्या करेंगे? 45 को डिवाइड करेंगे 15 से, डिवाइड बाय 15. तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45. इसका मतलब 3 चिल्ड्रन विल शेयर वन बुक. इसका मतलब एक 3 बच्चों के बीच में एक बुक आएगी. तो 45 बच्चों में ये 15 जो बुक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. समझ में आया क्वेश्चन? कि नीलू जो है वो 15 स्टोरी बुक्स लेकर आई थी अपनी क्लास के लिए. उसकी क्लास में आज 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक? तो कितने बच्चे एक बुक को शेयर करेंगे? 3 चिल्ड्रन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg वीट फॉर अ मंथ. ध्यान से सुनना क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. एक फैमिली में 8 लोग हैं, उनको एक महीने में, वन मंथ में 60 kg वीट लगता है. वीट मतलब गेहूं. तो हाउ मच वीट Does this family need for a week? तो इस फैमिली को एक वीक में कितना वीट लगेगा? देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि एक फैमिली है उसमें 8 पीपल हैं, उनको 60 kg वीट लगता है वन मंथ में, एक महीने का दिया हुआ है. एक महीने में 8 लोगों को 60 kg वीट लगता है. तो हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक? तो एक वीक में कितना केजी वीट लगेगा? तो आपको मालूम है 1 month, 1 month इज इक्वल टू हाउ मेनी वीक? 4 वीक्स होता है. 1 month में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं, ये आपको पता है. ओके, इन 4 वीक्स फैमिली नीड 60 kg वीट, है ना. इसका मतलब 1 month मतलब 4 वीक्स, कि 4 वीक्स में फैमिली को कितना केजी वीट चाहिए? 6 kg वीट चाहिए. तो इसलिए देयरफॉर 1 week फैमिली नीड्स 60 divided by 4. तो एक वीक में कितना चाहिए होगा? 60 divided by 4. 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितना आंसर आएगा? 60 4 1 4, 6 minus 4 2, डाउन किया 0, 4 5 20. इसका मतलब द फैमिली नीड्स 15 kg ऑफ वीट इन 1 week. इसका मतलब फैमिली को एक वीक में कितना केजी वीट चाहिए? 15 kg वीट चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया? ये सब क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करके करने हैं. तो जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे स्टेटमेंट लिख के आपको सॉल्व करने हैं. क्या दिया हुआ है? आपकी एक फैमिली है वो एक मंथ में, एक वन मंथ में 60 kg वीट यूज करती है. तो हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक? तो एक वीक में उस फैमिली को कितना वीट चाहिए? वी नो दैट 1 month इज इक्वल टू 4 week. हमें मालूम है कि एक मंथ में 4 week होते हैं. इसका मतलब 4 week में कितना केजी वीट लगता है? 60 kg वीट लगता है. तो 1 week में कितना लगेगा? तो 60 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया,
डिवाइड करने पर आंसर आ गया 15. इसका मतलब देयर फोर 15 देयर फोर फैमिली नीड्स 15 केजी ऑफ वीट इन अ वीक. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके, राजिया वांट्स चेंज फॉर रुपीज 500. राजिया को जो है 500 की चेंज चाहिए. हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ शी वांट्स इन रिटर्न. अगर उसको सारे के सारे 100 रुपीज के नोट मिले तो कितने 100 रुपीज के नोट मिलेंगे? तो देखो उसके पास कितने रुपीज का नोट है, 500 रुपीज का नोट है. तो डिवाइड बाई 100, अगर मैं 100 से डिवाइड करती हूँ इसको तो क्या आता है आंसर, इज इक्वल टू 5. इसका मतलब 100 के कितने रुपीज मिलेंगे उसको, 5. अगर सब 50 रुपीज के नोट मिले तो क्या करेंगे, तो 500 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 ones are 50, 0 का 0 10. तो मतलब 50 के कितने नोट आएंगे, 10. मतलब 500 रुपए के उसको चेंज चाहिए. राज्य के पास 500 का नोट है तो वो उसका चेंज चाहती है. तो अगर उसको सारे 100 रुपीज के नोट मिले तो कितने रुपीज मिलेंगे, 5, क्योंकि 500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5. अगर सारे उसको 50 रुपीज के नोट मिलते हैं तो कितने रुपीज मिलेंगे उसको, तो 500 को 50 से डिवाइड किया तो 10 आया, मतलब 50 के 10 नोट देंगे. अगर सारे उसको 20 रुपीज के नोट मिलते हैं, सारे के सारे 20 रुपीज चेंज मिलता है, तो क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 50. अब 500 को 50 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है. ऊपर के तो सिंपल थे इसलिए फटाफट हो गया ओरली, तो ये भी देखो डिवाइडेड बाई 20. तो 20 2 40. ना 50 माइनस 40, 10. डाउन किया 0, 100. 25 100. इसका मतलब कितना आया, 25. तो 2 है, दिस इज 2. 20 के कितने नोट्स उसको मिलेंगे, 25 नोट्स मिलेंगे. और अगर सारे 5 रुपीज के चेंज मिलती है सारे के सारे, तो 500 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 1 5, 5 माइनस 5 0. डाउन किया 0, 5 0 0, 0 माइनस 0. डाउन किया 0, 5 0 0. इसका मतलब अगर सारे के सारे 5 रुपीज के नोट मिलते हैं उसको, तो 500 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 100. तो कितने नोट मिलेंगे उसको, 5 रुपीज के 100 नोट मिलेंगे. समझ में आया? ओके, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज इक्वली इन 3 बास्केट्स. देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस हैं, मजा आ रहा है मुझे तो करने में. आप लोगों को आएगा कि नहीं, ध्यान से सुनोगे सॉल्व करोगे तो जरूर आप लोगों को भी मजा आएगा. हर लाइन में क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर. लिख दिया सब, लिख दो साथ के साथ, तो मिटाना पड़ता है मुझे क्योंकि स्क्रीन पे फिर वो स्क्रॉल नहीं होता है ठीक से. ओके, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोस. टोटल नंबर ऑफ टोमेटोस कितने, 72, इक्वली इन 3 बास्केट्स. 3 बास्केट में इक्वली डिवाइड करने हैं. तो हाउ मेनी टोमेटोस विल देयर बी इन ईच, तो हर बास्केट में कितने टोमेटोज आएंगे, तो क्या लिखोगे आप, टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज 72, नंबर ऑफ बास्केट्स 3. देयर फोर नंबर ऑफ टोमेटोज इन 1 बास्केट इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 3. 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 2 6, 7 minus 6 1. डाउन किया 2 12, 3 4 12. इसका मतलब एक बास्केट में कितने टोमेटोज आएंगे, 24. तो क्या आंसर हो जाएगा, ईच बास्केट कंटेन 24 टोमेटोज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट. हैंड कार्ट मतलब जो हाथ से चलाने वाली गाड़ी होती है ना, उसमें 350 ब्रिक्स हैं. विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg. व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स. मतलब एक हैंड कार्ट में 350 ब्रिक्स है, ठीक है, 350 ब्रिक्स है और एक ब्रिक का वेट 2 kg है.
वेट ऑफ अ ब्रिक, वेट ऑफ अ ब्रिक, अ ब्रिक मतलब एक ब्रिक का वेट 2 kg है, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स, तो सारे ब्रिक्स का वेट कितना होगा, एक का दिया है ज्यादा का पूछा है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 350, वेट ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 2 kg, देयरफॉर वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 zeros are 0, 2 fives are 10 का 0, 1 carry, 3 twos are 6 plus 1 7, 700, इसका मतलब 700 kg, तो टोटल ब्रिक्स का वेट कितना हो जाएगा 700 kg, समझ में आया, चलो आगे जाएंगे। ओके चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर, राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर, इन सब बच्चों ने अपने दादाजी को बोला कि हमको पैसे दो फेयर में जाने के लिए, दादा ने बोला आई हैव 70 रुपीज इन माई पॉकेट, टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू, इफ यू आर राइट यू गेट द मनी, दादा ने बोला कि मेरे जेब में 70 रुपीज है, ठीक है अब मैं उनको कैसे इक्वली, तुम सब कितने बच्चे देखो 1 2 3 4 5 फाइव बच्चे हैं, राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश, तो कैसे मैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूं कि तुम सबके पास इक्वली पैसा मिल जाए, जो मुझे सही आंसर देगा तो तुमको मनी मिल जाएगा, लिखा है ना कि इफ यू आर राइट यू गेट दिस मनी, तो वन मेथड, अब मैंने आपको क्या बताया वन मेथड टू मेथड हमें करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट एक ही मेथड यूज करना है जिससे हमें सम करना है, ये सब हमें नहीं देखना है, ठीक है, तो टोटल मनी कितना था 70 रुपीज, तो लिखोगे टोटल मनी इज इक्वल टू 70, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर मनी गेट तो मनी रिसीव बाय ईच चिल्ड्रन ईच चाइल्ड इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 5, 5 ones are 5, 7 minus 5 2, डाउन किया 0, 20, 5 fours are 20, तो कितना आया 14, इसका मतलब हर बच्चे को कितना पैसा मिलेगा 14 रुपीस, समझ में आया, ये सब मेथड देखने की जरूरत नहीं है, हम जो मेथड करते हैं उस वो यूज करना है हमें, ठीक है, तो हर बच्चे को कितना पैसा मिला 14 रुपीस मिला, देखो ये वाला मेथड हमने ये किया हमने नहीं ये भी नहीं किया है, इसलिए वो सब करने की जरूरत नहीं है, तरह तरह के मेथड अपने को जो एक मेथड यूज करना है बस उसी से अपने को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग 70 divided by 5 इन डिफरेंट वेज, लोकेश राइट आई गिव, ये सब हमको देखना ही नहीं है क्योंकि जितना हम तरह तरह के मेथड देखेंगे उतना हम कंफ्यूज होंगे, चेक योर आंसर मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ यू गेट 70 इज योर आंसर करेक्ट, तो हमने अगर अपना आंसर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कितना है हमारा 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आंसर 70 आता है तो इस मतलब आपका आंसर सही है, और अगर आंसर सही नहीं आया तो उसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग है, योर मेथड नाउ यूज योर ओन मेथड टू डिवाइड 70 इक्वली अमंग 5 पीपल, इफ यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट बाई गिविंग रुपीज 2 ईच, और यू कैन इवन स्टार्ट विद रुपीज 11 टू ईच, कैन यू स्टार्ट विद रुपीज 15 टू ईच, अब ये बोल रहे हैं कि 2 2 2 rupees देते जाओ सबको, है ना, देखो कि इफ यू वॉन्ट टू कैन स्टार्ट बाई गिविंग रुपीज 2 2 2 rupees देते जाओ पहले सबको, फिर उसके बाद 11 12 rupees देते जाओ, ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको क्या लगता है कि कैन यू स्टार्ट विद रुपीज 15 टू ईच, क्या रुपीज 15 रुपीज से आप सबको ईच डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं, क्योंकि 15 फाइव का कितना होता है 75, और आपका टोटल मनी कितना है 70, इसलिए 15 रुपीज से हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो सिंपल आप डिविजन मेथड करो जो मैंने आपको बताया, आंसर आ गया 14, इसका मतलब हर बच्चे को कितना रुपीज मिलेगा 14 रुपीज मिलेगा, अब ये क्वेश्चन है ट्राई डूइंग दिस, इनको करना है आपको अपने आप होमवर्क में, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये होमवर्क में आपको खुद से करना है इजी, एक करके बता रही हूँ वैसे ही करना है, देखो 65
divided by 5. 5 ones are 5. 6 minus 5, 1. Down kiya 5. 5 threes are 15. आंसर क्वेश्चन क्या आ गया 13. बस इस तरीके से इनको डिवाइड करना है. ठीक है, तो ये आप होमवर्क में अपनी नोटबुक में करोगे सारे डिवीजन के सम. सिंपल डिवीजन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मीरा मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट. मीरा ने 204 कैंडल्स बनाए मार्केट में बेचने के लिए. शी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6. उसने क्या किया, 6 कैंडल्स का पैकेट बनाया. तो हाउ मेनी पैकेट्स विल शी मेक, तो कितने पैकेट्स बनाएगी. तो देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितने हैं, 206. नंबर ऑफ कैंडल्स इन वन पैकेट इज इक्वल टू 6. देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेट शी विल मेक इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 6. डिवाइडेड बाय 6. 6 थ्रीज आर 18. नाउ 20 माइनस 18 2. डाउन किया 4, 24. 6 4s are 24. इसका मतलब कितने पैकेट्स वो बनाएगी, 34 पैकेट्स बनाएगी 6 अगरबत्ती के. समझ में आया क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स दिए थे और नंबर ऑफ कैंडल्स इन वन पैकेट, एक पैकेट के अंदर कितने कैंडल्स है वो दिया था. तो नंबर ऑफ कैंडल्स शी विल मेक इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 6. देखो अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन. ओके, इफ शी पैक देम इन पैकेट ऑफ 12. अब अगर वो 6 की जगह पे 12 वाले पैकेट्स पे पैक करती है, देन हाउ मेनी पैकेट्स विल शी मेक, तो कितने पैकेट बनाएगी. टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स तो 204 ही है. पहले एक पैकेट के अंदर कितने कैंडल्स थे, 6. अब एक के अंदर कितने हैं, 12. तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 वन जा 12, 12 टू जा 24. 24 बड़ा हो जाता है तो 12 वन जा 12. नाउ 20 माइनस 2 8. डाउन किया 4, 84. 12 7 जा 84. 84 माइनस 84 0. तो कितने पैकेट्स बनेंगे, 12 कैंडल्स के 17. और उसमें कितने बने, 34 पैकेट्स बने थे, है ना. 6 से डिवाइड करने पे कितने पैकेट्स बने थे, 34. अगर हम 12 का पैकेट बनाते हैं तो नंबर ऑफ कैंडल्स 204 ही है. नंबर ऑफ कैंडल्स इन वन पैकेट इज इक्वल टू 12. तो देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेट्स ही विल मेक इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाय 12. तो आंसर आ गया 70. नाउ नेक्स्ट, ऑन स्पोर्ट्स डे 161 चिल्ड्रंस आर इन द स्कूल ग्राउंड. स्पोर्ट्स डे के अंदर स्कूल ग्राउंड के अंदर 161 बच्चे हैं. They are standing in 7 equal rows. वो सारे के सारे बच्चे 7 equal rows में खड़े हुए हैं. तो how many children are there in each row? तो हर row में कितने बच्चे हैं? आपको पता है total number of children कितने? 161, है ना? अब कितनी rows है? 7, number of rows 7. तो therefore number of children in each row is equal to 161 divided by 7. 7 twos are 14. 16 माइनस 6 माइनस 4 2. डाउन किया 1. 7 3 जा 21. तो कितना आया, 23. इसका मतलब कितने पैकेट्स बनेंगे, 23. समझ में आया. अगर 12 का बनाया था हमने, अगर एक पैकेट में 12, इफ शी पैक देम इन 12 पैकेट, हाउ मेनी पैकेट्स विल शी मेक. फिर क्या हो गया, एक पैकेट के अंदर 7, उसने क्या किया, 161 बच्चे थे स्कूल में और उन्होंने उनको 7 इक्वल रोज में खड़ा कर दिया. रोज कितनी बनाई, 7. नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो. तो एक हर ईच रो में कितने बच्चे होंगे, तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ रोज से. तो आंसर आया 23. इट मीन्स हर उसमें कितने बच्चे होंगे, हर रो में 23. चलो नेक्स्ट स्टोरी प्रॉब्लम.
सृष्टि ग्रैंडमा इज आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम. सृष्टि की ग्रैंडमा जो है वो उनको प्रॉब्लम के बारे में बता रही है. लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ क्वेश्चन ऑन इट. पिक्चर को देखो और उसमें क्वेश्चन बनाओ. देयर आर थ्री क्रेट्स, ईच क्रेट हैज 24 बॉटल्स इन इट. तो माई क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल. मतलब उसकी जो ग्रैंडमा है वो उसको क्वेश्चन बनाना सिखा रही है कि सामने देखो जो सामने दिया हुआ है और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाओ. तो उसने क्या बोला कि देयर आर थ्री क्रेट्स. थ्री क्रेट्स है ना, देखो 1 2 3, और ईच क्रेट हैज 24 बॉटल्स इन इट. और हर क्रेट के अंदर कितनी वो है बॉटल्स है, 24 बॉटल्स हैं. तो माई क्वेश्चन, तो उसका क्वेश्चन क्या बना, हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, कि सब में मिला के टोटल कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स हैं. तो देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी है, 3. नंबर ऑफ क्रेट्स 3. तो नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच क्रेट, ईच क्रेट में कितने बॉटल्स हैं, 24. तो नंबर ऑफ बॉटल्स की टोटल नंबर ऑफ बॉटल कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 12 का 2 1 कैरी, 3 2 6 6 + 1 7 72. इसका मतलब टोटल कितनी बॉटल्स है, 7. हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, देयर आर 72 बॉटल्स इन ऑल, सब मिला के 72 बॉटल्स है. नेक्स्ट देखेंगे. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है. अच्छा, नाउ यू लुक एट द अदर पिक्चर एंड मेक क्वेश्चंस लाइक सृष्टि. अब दूसरी पिक्चर को देखो और सृष्टि की तरह क्वेश्चन बना देखो. देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज. ये राखी के 8 पैकेट्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8. ईच पॉकेट हैज 6 राखीज इन इट. और 8 पैकेट के अंदर 6 राखी है. तो क्या क्वेश्चन बनना चाहिए, योर क्वेश्चन, हाउ मेनी राखीज, क्या क्वेश्चन बनेगा देखो, एच ओ डब्ल्यू, हाउ मैनी, हाउ मैनी राखीज, हाउ मैनी राखीज आर देयर, आर ये अच्छी, आर देयर इन टोटल, कि टोटल मिला के कुल कितनी राखियां हैं. तो ये क्वेश्चन बन गया. उन्होंने बिल्कुल सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन के ऊपर हमें क्वेश्चन बनाना है. ठीक है, तो सिचुएशन क्या थी कि देर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखी, राखी के 8 पैकेट्स हैं और ईच पैकेट में 6 राखी है. तो सारे पैकेट्स में कितनी राखी हुई, यही क्वेश्चन बनेगा. तो क्वेश्चन क्या बन गया, हाउ मेनी राखीज आर देयर इन ऑल, सब मिला के टोटल कितनी राखियां हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. देर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर्स. यहाँ पर शुगर्स के 3 पैकेट्स हैं. सौरभ अभी रिवेश करना पड़ेगा, इस तरीके से सामने आता है, इसलिए मैं बोलती हूँ के साथ लिखते जाओ आप लोग. नेक्स्ट, देर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर्स है ना. सौरभ पेड 110 रुपीज फॉर ऑल द पैकेट. सौरभ ने 110 रुपीज जो है वो खर्च किए सभी पैकेट्स में. तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वॉट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर. एक पैकेट ऑफ शुगर की कॉस्ट क्या होगी. फिर नेक्स्ट सिचुएशन है, ये देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 रोज. 1 2 3 4 5 6 7 रोज है, 7 रोज में 35 स्टूडेंट्स हैं. ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और हर रो में जो है वो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इक्वल स्टूडेंट्स हैं. क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें तुम्हारा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देखो मैंने ऊपर भी नहीं लिखा था, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे. क्या क्वेश्चन बनेगा, एच ओ डब्ल्यू, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, आर देयर इन ईच रो, इन ईच रो. समझ में आया क्या हो गया, देयर फॉर कितने 35 स्टूडेंट्स है 7 रोज में. तो हर रोज में
कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, तो 35 को डिवाइड किया 7 से, 7 5 35 5 आंसर आया। इसका मतलब हर रो में 5 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिखने हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन में आंसर्स दिए हुए हैं, उस आंसर को ढूंढ के आपको ये आंसर देने हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? गुवाहाटी जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ वन रेल टिकट इज 64। एक रेल टिकट की कॉस्ट कितनी है? 64, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रेल टिकट, कॉस्ट ऑफ द रेल टिकट, TICKET। तो पता चला क्या क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि ये लोग हरी, सीमा, चिंकू, लक्ष्मी ये सब कहाँ जा रहे हैं? गुवाहाटी जा रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ वन रेल टिकट इज ₹62, और एक टिकट की कॉस्ट कितनी है? ₹62 है। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल द रेल टिकट, सारे रेल टिकट की कॉस्ट क्या होगी। अब देखो क्या सिचुएशन दी हुई है, वन मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट इज ₹20, एक मीटर क्लोथ की कॉस्ट क्या है? ₹20। तो लाल बाइक क्या लिखा मैं, शामू है, शामू बॉट सम क्लोथ एंड पेड ₹140। कि वन मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट इज ₹20, एक मीटर क्लोथ का जो रेट है वो क्या है? ₹20। तो लाल बाइक ने आपकी बुक में शामू बॉट सम क्लोथ एंड पेड ₹140। तो शामू ने थोड़ा सा कपड़ा खरीदा और उसके लिए थोड़ा सा पेमेंट किया। तो क्या क्वेश्चन बनना चाहिए, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लोथ डिड शामू बाय, कि शामू जो खरीद के लाए कपड़ा उसमें कितने मीटर कपड़ा आया है। तो ऑल्सो गेस द आंसर, उनके आंसर भी सोचो, ठीक है। बस यही था इस क्वेश्चन में, इस टेक्स्ट बुक में, कि लास्ट में जो है स्टोरीज दी हुई थी, इन स्टोरीज को समझ के उनके क्वेश्चन बनाने थे। जैसे माँ जो है काफी सुबह से लेकर बैठी रहती है, तो देखा 3 कैरेट जो है वो बच गए, तो उसने बोला कि लुक एट द पिक्चर, मेरा क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाओ। तो उसकी वाइफ बेटी ने क्या क्वेश्चन बनाया, हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, सब मिला के उसमें कितनी बॉटल्स हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा अच्छा था, सब साथ में आपने पढ़ा, इसमें जिस तरह के क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले वो सब वर्कबुक में रहेंगे। मैं लिख कर दूंगी आपको क्या क्या इसमें वो करना है, वर्कबुक करना है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मुझे लगता है पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, पूरे इस चैप्टर में मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ही थे, खाली ये जो सिचुएशंस दी हुई है लास्ट में, इन सिचुएशन को देखते हुए आपको क्वेश्चंस बनाने थे, रियल लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो दैट इज फॉर टुडेज लेक्चर, यहाँ पे ये उसका एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद योर वर्कबुक सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की, ओके। तो तब तक के लिए बाय।